बिक्रम मजीठिया नूं लै के पुलिस दे वलों छापेमारी शुरू कर दित्ती गई है। बीते दिन जदों दरबार साहब दे विच मत्था टेकन दीआं बिक्रम मजीठिया दीआं तस्वीरां सामने आईआं सन ते इसे नूं ही लै के पुलिस प्रशासन नूं भी हत्था पैरां दी पई तेजी वरती गई ते बीती शाम तो ही घर घर दे विच जाके छापेमारी तेज कीती गई है। अमृतसर दीआं तस्वीरां तुहाडे नाल सांझियां कर रहे हैं जिथे पुलिस प्रशासन दे वलों वख-वख टुकड़ियां दे विच यानी कि पुलिस टीमां बना दित्तियां गईआं जो वख-वख ठिकाणियां दे उपर जाके बिक्रम मजीठिया नूं लै के तलाश रहीआं ने, उहनां दी भाल कर रहीआं क्योंकि जदों तों ड्रग केस मामले दे विच उहनां ते FIR कीती गई है। उस तों बाद अजे तक मजीठिया सामने नहीं आए, इस नूं ही लै के विरोधी भी लगातार निशाने ते लै रहे ने ते हुण जदों बीते दिन यानी कि 2022 दा जो पहला दिन सी नवे साल दे मौके उन्हां दे कह लिए कि जो श्रोमणी अकाली दल है उन्हां दे पेज दे उपर बिक्रम मजीठिया दीआं तस्वीरां सांझियां कीतियां गईआं जिस जिन्हां तस्वीरां दे विच उह मत्था टेक दे गुरु घर दे अंदर नज़र आए ते इसे तों बाद विरोधियां दे वलों एक बार फिर तों अकाली दल नूं घेरिया गया जिस तों बाद पुलिस प्रशासन ने तेजी फड़ी ते अमृतसर दे जो उन्हां दे घर है मजीठिया दा ते यहां फिर कह लिए जो रिश्तेदार ने उन्हां दे तक जाके जानकारी लैण दी कोशिश की जा रही है, भाल की जा रही है। तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं अमृतसर दीआं जिथे कि मजीठिया नूं लै के तेजी फड़ी गई है ताकि उन्हां नूं किसे तरीके दे नाल सामने लियांदा जा सके क्योंकि अजे तक उह ना तां पेश होए ने ते ना ही सामने आए ने। अकाली दल दे वलों भी लगातार यही कहा जा रहा है कि उन्हां ते झूठा परचा दर्ज किया गया है ते जदों तक सही इहदे विच नहीं किया जाता असीं उन्नी देर तक इन्हां नूं सामने नहीं लियावांगे। तो दूसरे पासे विरोधी लगातार यही कहिंदे आ रहे हैं कि उन्हां नूं अंडरग्राउंड कर दिता गया, पर इसे विचाले बीते दिन नवे साल के मौके ही मत्था टेकते नज़र आए ने। अकाली लीडरां दे वलों हालांकि स्पष्टता नहीं किया गया कि तस्वीरां नवीआं ने या फिर पुरानीआं ने, पर कुछ जो सीनियर अकाली लीडर ने उन्हां दे वलों अजिही बयानबाजी जरूर की जा रही है कि नवे साल के मौके बिक्रम मजीठिया दरबार साहब दे विच नतमस्तक हुंदे ने। तां अजिही विच कई सवाल इन्हां तस्वीरां ने खड़े किए ने कि यह तस्वीरां ताज़ियां ने या फिर पुरानियां ने क्योंकि श्रोमणी अकाली दल दे पेज दे उपर ही इस नूं सांझा कीता गया। जेकर इह तस्वीरां सांझियां कीतियां गईआं ते इस दे नाल इह नहीं दस्सिया कि इह नवीआं या फिर पुरानियां ने। ते अजिहे विच पुलिस दे वलों भी अपनियां वख-वख टीमां बना के जिथे पहलां होर ठिकाणियां दे उपर जांच कीती जा रही सी ते बीती शाम तों अमृतसर दे विच जांच कीती जा रही है, रेड कीती जा रही है, वख-वख पुलिस टुकड़ियां जिहड़ियां वख-वख थावां ते जाके ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠਿਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਿਆ ਇਕੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ FIR ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਤੇ ਜੀ 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 ਜੀ
अपना दफ्तर करना छापेमारी शुरू कर कह लिए कि जो श्रोमणी अकाली दल है उन्होंने पेज के उपर बिक्रम मजीठिया दी तस्वीर सांझिया की गई जिस जिन्हों तस्वीर के मत्था टेकते गुरु घर के अंदर नजर आए तो इस तो बाद विरोधियों के वालों एक बार फिर तो अकाली दल नूं घेरिया गया जिस तों बाद पुलिस प्रशासन ने तेजी फड़ी ते अमृतसर दे जो उन्हां दे घर है मजीठिया दा ते या फिर कह लिए जो रिश्तेदार ने उन्हां दे तक जाके जानकारी लैण दी कोशिश की जा रही है भाल की जा रही है तस्वीर तुहानूं दिखा रहे हैं अमृतसर दियां जिथे कि मजीठिया नूं लै के तेजी फड़ी गई है ताकि उन्हां नूं किसे तरीके दे नाल सामने लिया जा सके क्योंकि अजे तक वो ना तो पेश होए ने ते ना ही सामने आए ने अकाली दल दे वलों भी लगातार यही कहा जा रहा है कि उन्होंने झूठा परचा दर्ज किया गया तो जदों तक सही ये नहीं किया जाता असं उन्नी देर तक इन्हों सामने नहीं लियावे तो दूसरे पास विरोधी लगातार यही कहते आ रहे हैं कि उन्होंने अंडरग्राउंड कर दिया गया पर इस विचाले बीते दिन नवे साल के मौके ही मत्था टेकते नज़र आए ने अकाली लीडर के वलों हालांकि स्पष्टता नहीं किया गया कि तस्वीर नवीं ने या फिर पुरानिया ने पर कुछ जो सीनियर अकाली लीडर ने उन्होंने वालों अजिही बयानबाजी जरूर की जा रही है कि नवे साल के मौके बिक्रम मजीठिया दरबार साहब के नतमस्तक होंगे ने तो अजे विच कई सवाल इन तस्वीर ने खड़े किए ने कि तस्वीर ताज़िया ने या फिर पुरानिया ने क्योंकि श्रोमणी अकाली दल के पेज के उपर ही इस साझा किया गया जेकर तस्वीर सांझिया की गई तो इस दे नाल ए नहीं दस्या कि यह नवीं या फिर पुरानिया ने तो अजे विच पुलिस के वलों भी अपन वक् वक् टीम बना के जिथे पहला होर ठिकाणिया के उपर जांच की जा रही थी तो बीती शाम तो अमृतसर दे विच जांच की जा रही है रेड की जा रही है वक् वक् पुलिस टुकड़ियां जिहड़ियां वक् वक् थावां ते जाके भाल कर रही ने रेड की जा रही है ताकि किसी तरीके दे नाल उन्हां नूं सामने लिया जा सके क्योंकि बिक्रम मजीठिया के खिलाफ जो ड्रग केस मामला चल रहा उस दे विच हालांकि बिक्रम मजीठिया के वलों ही अपील की गई सी अगाऊ जमानत की अर्जी दी गई सी जिसनूं कोर्ट के वलों खारिज कर दिता गया उस तों बाद अपील उन्होंने हरियाणा हाई कोर्ट के विच दर्ज की हुण जिसकी सुनवाई 5 जनवरी नूं होनी है पर उस तों पहलां साल के पहले दिन इस नवे साल के मौके पर मत्था टेकन दीआं तस्वीरां जो अकाली दल दे वलों सांझियां कीतीआं गईआं ते उन्होंने एक बार फिर तो सवाल जिहड़े नवे ओह खड़े कर दिते ने कि आखिर ये नवीं ने या फिर पुरानियां क्योंकि तस्वीरां दे विच भी जो आपां इस तों पहलां तुहानूं तस्वीरां भी दिखा चुके हाँ कि तस्वीर के बिक्रमजीत सिंह मजीठिया इकले नज़र आते हैं जिथे वो मत्था टेकते हैं तो उस वेले उन्होंने कोल ना तो कोई सिक्योरिटी है ना ही कोई अकाली लीडर है तो अजिहे विच एक है पाना तो मुश्किल है कि यह ताज़िया ने या फिर पुरानिया ने पर सवाल फिर उही ने कि आखिर जिन्हां ते FIR हो रही है वो सामने नहीं आ रहे अपने अपने खिलाफ होए मामले नूं लैके कुछ बोल नहीं रहे कोई जवाब नहीं उन्हां दे वलों आ रहा पर अजिहे विच ही इन्हां सब मामले दे विचाले वो बीते दिन जाके मत्था टेक रहे ने पर सामने क्यों नहीं आ रहे ते तस्वीरां तो बाद ही हुण पुलिस दे वलों भी थां थां ते उन्हां दी भाल कीती जा रही है रेड कीती जा रही है उन्होंने घर तो इलावा जो रिश्तेदार ने उन्होंने कोल जाके भी जांच कर रहे हैं हालांकि चंडीगढ़ के भी इस तो पहला पुलिस के वालों उन्होंने भाल के लिए छापेमारी की गई है पर हुण उस तो बाद अमृतसर ते होर रिश्तेदारों के कोल जाके भी जांच की जा रही है लैके पुलिस के वालों छापेमारी शुरू कर कह लिए कि जो श्रोमणी अकाली दल है उन्होंने पेज के उपर बिक्रम मजीठिया दी तस्वीर सांझिया की गई जिस जिन्हों तस्वीर के मत्था टेकते गुरु घर के अंदर नजर आए तो इस तो बाद विरोधियों के वालों एक बार फिर तो अकाली दल नूं घेरिया गया जिस तों बाद
पुलिस प्रशासन ने तेजी फड़ी ते अमृतसर दे जो उन्होंने घर है मजीठिया का या फिर कह लिए जो रिश्तेदार ने उन्होंने तक जाके जानकारी लैन की कोशिश की जा रही है, भाल की जा रही है। तस्वीर तुहानू दिखा रहे हैं अमृतसर दियां जिथे कि मजीठिया नू लैके तेजी फड़ी गई है ताकि उन्होंने किसी तरीके दे नाल सामने लिया जा सके, क्योंकि अजे तक वो ना तो पेश होए ने ते ना ही सामने आए ने। अकाली दल दे वलों भी लगातार यही कहा जा रहा है कि उन्होंने झूठा परचा दर्ज किया गया है ते जदों तक